तो एक बात सुनो तुम, मैं चलो झूठा हूँ, तुम क्या आंटी भी झूठी हैं? आंटी भी झूठ बोल रही हैं। तुमने हमें अपने घर पे बुलाया था खड़े होकर, तुमने खुद कहा कि तुम इससे शादी करके पछता रही हो कि तुम्हें अपने असल जिंदगी में वापस आना है। तुम्हारी कॉल का सुन के मैं तो खुश हो गया था। मैं ये समझा कि शायद शादी की प्लानिंग या फिर हनीमून के लिए कुछ और प्लान करना है, तुमने इसलिए यहाँ पे बुलाया है। लेकिन तुम तो सख्त अनरोमांटिक हो। तो ठीक है, अपने लिए ढूंढ लो कोई रोमांटिक लड़की। इतने अरसे में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी, तो तुमसे ही गुजारा करना पड़ेगा। सीरियस यार? तो मैं कब नॉन सीरियस हूँ। अच्छा चलो बताओ क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दफा बैठ के सारी गलत फहमियाँ दूर कर दें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। क्या मतलब? आरिया बात सिर्फ उन दोनों की नहीं है। तुम बता रही थी ना कि तैमूर उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि वो एक दफा बैठ के बात कर लें। उनके दोनों के बैठने से मसला हल नहीं होगा। तैमूर ने उसके बाद भी गड़बड़ कर दी तो फिर क्या करोगी? तो मैं क्या करूं? मैं सोनिया के लिए बहुत परेशान हूं, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। तैमूर का कोई इलाज करना पड़ेगा। इलाज?